बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हम बना रहे हैं लौकी और अंडे, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए एक अदद बड़े साइज़ की मैंने लौकी ले लिया, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया, उसके बीच में निकाल दिए थे ये, और चार अदद अंडे ले लिए, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया। लेट्स स्टार्ट। एक पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया, और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल लिया, और ज़ीरे को मैं फ्राई करूँगी। ज़ीरा फ्राई करने के बाद मैं कद्दूकश लौकी इसमें डाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी इसके साथ, ज़ीरे के साथ। ज़ीरे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। जैसे लौकी हमारी हल्की सी फ्राई होगी, हम इसमें डालेंगे प्याज, साथ में डालूँगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और हल्का सा फ्राई करूँगी। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप सोया सॉस, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं अब इसमें डालूँगी अंडे। डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हम फ्लैट स्पून ले लेंगे, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा ज़बरदस्त सालन तैयार हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया, हमारी ज़बरदस्त सी लौकी और अंडे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, हम इसको बॉयल राइस के साथ खाएंगे। बॉयल राइस के साथ तो इसका टेस्ट और ही बढ़ जाता है, और बहुत ही मज़ेदार वाकई में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे हम लौकी बनाते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस प्रोसेस में हम 7 से 8 मिनट में अपनी सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। और ये बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।